हाउ इमेच्योर. अगर 100 सालों बाद एक मैच जीत भी गए तो कौन सी बड़ी बात है. अभी बेटा आगे के मैचों में देखना क्या होता है. नहीं गल सुने हाँ, जो कोई बंदा खुश होएगा तेन को दंदल पै गए ने. कुछ लोग एडे मनूस होंगे ने ना भाई, कोई किसी गल से खुश हो अपने विआह से फूड़ी पा के बैठ जाते हैं कि इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, दुनिया में बाकी लोगों की भी तो शादियाँ होती हैं. मतलब बेटा कभी तो खुश हो जाया करो, किसी बात पे खुश हो जाया करो. जिस दिन अम्मी चावल पकाती हैं उस दिन भी तुमने रोना है, जिस दिन रोटी पकाती हैं उस दिन भी तुमने रोना है, जिस दिन घर कुछ नहीं बना हुआ उस दिन भी तुमने कहना है हमारे घर तो कभी कुछ बनता ही नहीं है. मतलब कि बेटा बहुत दुर्फटे मुँह आपका. अपनी एजुकेशन का हाल देखो, इकोनॉमी का हाल देखो, इंडिया को और हमारा कोई मुकाबला है इन चीज़ों में. आई मीन अगर बाई चांस एक मैच जीत भी लिया तो इतना फुदकने की क्या ज़रूरत है. मुल्क के हालात देखो और इट्स जस्ट अ गेम, इस पर इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं. आई मीन गेट रियल, गेट अ लाइफ. यार कुछ तो जीते हैं, कम से कम खुश होने दो. बड़े अरसे बाद कोई खुशी आई है, मतलब खुशी मनाने में क्या प्रॉब्लम है. बेटा तेरे इस लॉजिक के मुताबिक फ़र्ज़ करो किसी बंदे की एक लत वड्डी होए की करे ना, वो अपनी सालगिरह मनाए ना ईद ते नवा सूट सवाए कि मैनू की जरूरत है, मेरी तो एक लत है ही नहीं, दोवें अपनी बाहों भी वड़ के सुट छड़े कि मैनू की जरूरत है खुश होन दी. चलो मनिया साड़ी इकोनमी नहीं ठीक, मनिया साड़ी एजुकेशन नहीं ठीक, बड़े मसले ने मुल्क च मैनू पता है, मैं आप बहुत बोलनी हूं इन बारे में, पर इहदा मतलब है कि छोटी छोटी बंदा खुशियां भी ना मनाए. बेटा इस तरह नहीं करीदा. चलो मनिया तुहानू बहुत तकलीफ हो रही है कि लोग कोई निकी निकी गल ते फूदक रहे ने ते हस रहे ने ते मुस्कुरा रहे ने ते खुश हो रहे ने, ते बेटा तुहानू किने रोकिया. तुसीं जाओ अपने कमरे च मोमबत्ती बालो, उहदे आले दुआले चक्कर लाओ, बेशक अथरुआं नाल रोवो, बेशक मातम करो, तुहानू किने कहा कि तुसीं खुश होवो, ठीक है ना होवो खुश, दूजा नू तो खुश हो लैण दिओ ना, मनूस हो नैशो. आई एम गोइंग टू स्लीप, बाय. जी वेरी गुड बेटा, जाओ शाबाश, गुड नाइट ते स्वीट ड्रीम्स. चल नहीं मच गई, जीत गए जीत गए जीत गए.